मैं जाशुष्कर एंड वी विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ फाउंडेशन टॉपिक इन सोयल मैकेनिक्स। बेसिकली फाउंडेशन से यदि देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस ये यूजुअली पूछे जाते हैं। चलो फाउंडेशन से ये टॉपिक और ये फाउंडेशन ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑल दिस टॉपिक्स एंड वी विल सी द व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द पेपर। सो बेसिकली बेयरिंग कैपेसिटी से बात करें तो बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला ट्रेजावी ने हमें दिया हुआ है। यदि शैलो फाउंडेशन को वैसे डिफाइन करेंगे तो शैलो फाउंडेशन इज द फाउंडेशन इन विच द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन यदि शैलो फाउंडेशन करते हैं तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी लेस देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन। अब बात करते हैं तो बेयरिंग कैपेसिटी की, बेयरिंग कैपेसिटी से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली बेयरिंग कैपेसिटी भी देखेंगे तो ट्रेजावी गिवन अस एम थ्योरी, ट्रेजावी ने थ्योरी दे रखी है जिससे हम बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी होती हैं, जैसे हमारे पास होता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, वी ऑल्सो हैव नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, वी हैव ग्रोस सेल बेयरिंग प्रेशर एंड वी हैव ग्रोस बेयरिंग कैपेसिटी, वी हैव अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी। इन सब की डेफिनेशन आपको एक बार देखनी है क्योंकि फिर ट्रेजागी से हम कभी पेपर पे पूछा जाता है, कभी उसमें नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पूछते हैं, कभी उसमें सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पूछते हैं, तो और कभी नेट अल्टीमेट और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पूछते हैं। तो यदि आपको इन डेफिनेशन में पता नहीं हुआ तो आप सोल्व कैसे करोगे। तो यदि लेकिन जो सबसे फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है वो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, ये मैं बता देता हूं आपको। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होता है इट इज द मिनिमम ग्रोस बेयरिंग कैपेसिटी, इट इज द मिनिमम ग्रोस बेयरिंग कैपेसिटी इन विद द सोइल, ग्रोस बेयरिंग कैपेसिटी इन विच सोइल इज कंसिडर्ड अंडर शेयर फेलियर, सोइल इज कंसिडर्ड अंडर शेयर फेलियर। बेसिकली जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं हमें दो चीज देखनी होती है, एक बेयरिंग कैपेसिटी की जब बात करते हैं तो एक तो होता है शेयर फेलियर ऑफ द सोइल, एक होती है सेटलमेंट ऑफ द सोइल। ये दो कंडीशन यदि मेट कर जाए, मतलब कि शेयर फेलियर जो शेयर स्ट्रेंथ है आपकी शेयर स्ट्रेस से ज्यादा हो तो आपकी एक कंडीशन मेट करगी, और जब सेटलमेंट की बात करते हैं तो यदि सेटलमेंट आपकी परमिसिबल सेटलमेंट से कम है तो आपकी ये दूसरी कंडीशन है जिससे हम अल्टीमेट या फिर बेयरिंग कैपेसिटी हम निकालते हैं। तो अब ट्रेजागी ने जो फॉर्मूला दिया है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो बेयरिंग कैपेसिटी है कोहेसिव सोइल एंड कोहेजनस सोइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या है कि जो आपका जो साइज है, साइज ऑफ फुटिंग है उससे रिलेटेड पूछते हैं और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बताता हूं कैसे। यदि जो फॉर्मूला गिवन है प्रजागी के द्वारा तो वो है क्यू यू इक्वल्स टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। कुछ एजम्पशंस है जो ट्रेजागी की वो डायरेक्टली पूछी जाती है, जैसे कि जो आपकी ट्रेजागी है उन्होंने जनरल शेयर फेलियर कंसीडर किया था। हम पढ़ेंगे भी के बाद देखेंगे कि आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ही कंसीडर द जनरल शेयर फेलियर एंड स्ट्रिक फुटिंग के लिए ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था मेनली, और जो मेन इनका जो क्राइटेरिया है इन्होंने जो जैसे बना के दिखाऊं आपको मैं अभी, ये हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग है। तो बेसिकली इन्होंने तीन टर्म्स है इसके अंदर, ये है कोहेजन के कारण, ये है सरचार्ज के कारण, और ये है जो सोइल का अपना पार्ट है उसके कारण। एक्चुअली उन्होंने जो फेल्यूर कंसीडर किया था वो खाली जो किया है बेस रेजिस्टेंस की कंसीडर किया है।
मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो इस एरिया इस रीजन में हमको मिलता है, जो डीप फाउंडेशन यदि हम देखें, डीप फाउंडेशन में हम दोनों कंसीडर करते हैं, बोथ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एज वेल एज बेस रेजिस्टेंस, बट टर्जागी डिडंट कंसीडर द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द सोल। सो इट अंडर इट इन अ वे अंडर एस्टिमेट्स द अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द सोल आल्सो। ये अंडर एस्टिमेट करता है आपकी अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ सोइल को, अंडर एस्टिमेट। इसी के चलते फिर हमारे पास अदर फॉर्मूले भी आए थे, मेरो इक्वेशन हमारे पास स्कैम्प्टन इक्वेशन है, तो वो इसके चलते हमने एक इक्वेशंस भी हमारे पास बाद में दूसरे इंपेरिकल इक्वेशन मिली थी जो दूसरे साइंटिस्ट ने हमें दी थी। इस जोन को बोलते हैं, यदि इसको वन बोले तो ये होता है जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम ये बिहेव करता है एज ए पार्ट ऑफ फाउंडेशन, जो आपका फाउंडेशन है वो उसी का पार्ट की तरह ये बिहेव करता है। जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं रेडियल शियर जोन। रेडियल शियर जोन ये इसको 2 बोले हम, और जो ये कर्व जो आपको फिलियल सरफेस दिख रहा है ये होता है स्पाइरल, स्पाइरल शेप होती है इसकी। और यदि इसको बताया ये होता है पैसिव जोन। पैसिव जोन बेसिकली इसकी जो ये फिलियल सरफेस मिलेगा हमें ये लीनियर होता है, ये लीनियर तब तक रहेगा जब तक एजम्पशन में हमने होमोजीनियस सोयल माना हुआ है। ट्रजागी ने होमोजीनियस सोयल माना था, लेकिन यदि हेट्रोजीनियस सोयल होगा तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये लीनियर नहीं होगा, ये स्पाइरल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। तो बेसिकली यदि क्वेश्चन देखें इसमें से ट्रजागी के मेनली क्वेश्चन जो है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंडरएस्टिमेट, ही अंडरएस्टिमेट्स द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल बिकॉज ही डजंट कंसीडर द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द सोयल। अब बात करते हैं, यदि हम बात करें अब कोहेसिव सोइल्स की, कोहेसिव सोइल्स की या इसे हम क्ले सोइल भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का क्ले सोइल के लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालें, तो फॉर्मूला तो यही है। तो यदि देखेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए वैलिड है, खाली ये फॉर्मूला ना, ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए वैलिड होता है। If we have rectangular footing, square footing, then we have the different formula. उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ coefficients add कर देते हैं, वो आपको बताइए। तो हम basically अब directly उस पे आते हैं questions में। तो clay soil में पूछा जाता है mainly कि भाई यदि हम width of the footing या depth of foundation बढ़ा देते हैं, तो what will be the effect on the bearing capacity of the soil? तो यदि आप यहाँ से देखोगे, यदि हम width of footing बढ़ाए, if we increase the width of footing, we do not have any parameter in this of width. बस यहाँ पर हमें ये parameter मिलता है width of foundation. Let's see here. Let me tell you here. Let ये foundation है. ये हमारे directly rest कर रहा है soil surface पे. ये foundation directly rest कर रही है. Soil surface के ऊपर directly ये foundation हमारी रेस्ट कर रही है। तो यदि इसकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सी एन सी राइट प्लस सेम फॉर्मूला क्यू एन क्यू प्लस आप पी गामा एन गामा। बट बेसिकली इसमें देखना है, क्योंकि क्ले सोइल में जो विड्थ होती है ना, जो यदि हम प्लेट लोड टेस्ट करें, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यदि प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, प्लेट लोड टेस्ट बेसिकली आप एक प्लेट होती है जहाँ पे आप डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जिस डेप्थ पे आप अपना स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर आप बिल्ड करते हैं, उस डेप्थ के ऊपर आप प्लेट रखेंगे और आप एक ग्राफ ओपन करते हैं किसके किसके बीच में, सेटलमेंट और लोड अप्लाई के बीच में, सेटलमेंट एंड लोड अप्लाई। सभी जितने भी टेस्ट हमारे पास एसपीटी सीपीटी और प्लेट लोड टेस्ट, इन सभी में हमारा जो मेन एम होता है वो एक ग्राफ ओपन करना होता है, सेटलमेंट वर्सेस लोड ग्राफ। तो इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल आल्सो।
परमिसिबल हमें पता होगा सेटलमेंट परमिसिबल कितनी है सोयल के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोड देख लेंगे ग्राफ के थ्रू एंड देन वी विल बी एबल टू नो द व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द सोयल आल्सो। बट फ्लैट लोड टेस्ट में क्या होता है जो यहां पे बताने का मेरा मेन एम है उसमें कि आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी यदि आप विड्थ ऑफ प्लेट है यदि PF BP इज द विड्थ ऑफ प्लेट एंड VF इज द विड्थ ऑफ फाउंडेशन देन जो आपका इफेक्ट हुआ जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होगी तो उस पे क्या इफेक्ट होगा यदि विड्थ चेंज होगी तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इन केस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। तो मतलब क्या हुआ क्ले सोइल में आपका विड्थ का कोई इफेक्ट नहीं आता है यदि आपकी विड्थ कम है या ज्यादा है। अब डेप्थ ऑफ फुटिंग की बात करें तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में वी नो दैट द क्यू इज गामा इनटू डेप्थ ऑफ फुटिंग। यदि हमारी सोयल हमारी जो फाउंडेशन है यदि सरफेस के ऊपर है जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है सरफेस के ऊपर है तो इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होगी हमारी जीरो। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जीरो होगी तो हमारी क्या हुआ कि जो हमारी क्ले की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो हमारी डेप्थ पे भी डिपेंड नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली क्या प्रूव होता है यहां से क्ले फॉर क्ले सोयल और क्ले सोयल बेयरिंग इन केस ऑफ क्ले सोयल बेयरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन बेयरिंग कैपेसिटी लेट मी ब्रीफली राइट इट क्यू यू डज नॉट डिपेंड ऑन आइदर विड्थ ऑफ फुटिंग और द डेप्थ ऑफ फुटिंग इन दोनों की चीज पे डिपेंड करती है। अब बात करें यदि ग्रेविली सोयल या फिर कोहेशनलेस सोयल की तो कोहेशनलेस सोयल में भी सिंपली ये फार्मूला वैलिड है CNC गिवन टू 0.5 b गामा एन गामा। तो लेकिन कोहेशनलेस सोयल में वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कोहेशन विल बी जीरो। सो यदि आप कोहेसिव सोयल में आप विड्थ चेंज करेंगे तो आपकी क्या होगा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी चेंज होगी क्योंकि विड्थ चेंज होगी तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी चेंज होगी और डेप्थ भी चेंज करेंगे तो आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी विल बी गोना बी चेंज। ठीक है तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है ये वाला फॉर क्ले सोयल अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन विड्थ एंड डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेयरिंग कैपेसिटी से मेनली आपके फिर यदि देखते हैं तो स्टैंटन के हमारे पैरामीटर्स हैं आप वो पढ़ना उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादा तो क्वेश्चन से भी नहीं पूछे गए वैसे मेनली ट्रजाक के इस फॉर्मूले से ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। तो बेसिकली और इसके पैरामीटर्स अलग जो स्क्वेयर फुटिंग के लिए होते हैं जो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर फुटिंग के लिए होते हैं वो याद रखो क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये तो हो गया हमारा बेयरिंग कैपेसिटी के लिए जो प्रीवियस ईयर में जनरली पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ फुटिंग के लिए। टाइप ऑफ फुटिंग में वी ऑलरेडी नो दैट फॉर शैलो फाउंडेशन वी हैव आइसोलेटेड फुटिंग ग्राफ फुटिंग और वी हैव कंबाइंड फुटिंग। सो बेसिकली अब पता करना होता है कि कौन सी फुटिंग फॉर किस लोड के लिए और किस सोयल के लिए इफेक्टिव है मतलब कि आप राफ फाउंडेशन कहां पर यूज करेंगे आप पाइल फाउंडेशन कहां पर यूज करेंगे या फिर आप आइसोलेटेड फुटिंग कहां यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुटिंग से यदि परफॉर्मेंस वाइज देखें तो हमें पता है कि राफ फाउंडेशन में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है वो कम होता है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड फुटिंग तो या फिर अदर टाइप ऑफ फुटिंग। तो मेनली राफ फाउंडेशन में परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी होती है। 90 क्वेश्चन पूछा गया है कि परफॉर्मेंस वाइज क्लासीफाई करें डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग को तो उस केस में यदि करना हो तो राफ फाउंडेशन हैज अ बेटर परफॉर्मेंस देन आइसोलेटेड फुटिंग और वी हैव अदर टाइप ऑफ फुटिंग एज वेल। बट जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राफ फाउंडेशन सबसे सक्सेसफुल फाउंडेशन है बेसिकली यदि शैलो डेप्थ पे देखिए लोड हैवी लोड्स के लिए
यदि कम एरिया आपके पास अवेलेबल होता है तो सबसे पहले राफ्ट फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास वैसे डीप फाउंडेशन का टॉपिक है। यदि सोइल वीक है, इफ वी हैव अ ब्लैक कॉटन सोइल से एट सर्टेन विद इन सर्ट लेट से 3 मीटर वी हैव ब्लैक कॉटन सोइल फॉर 3 मीटर डेप्थ एंड देन वी हैव वीक सोइल आल्सो then which type of foundation we will use. So basically उस केस में हम जो यूज करते हैं पाइल यूज करते हैं क्योंकि ब्लैक कॉटन सोइल क्या है स्वेलिंग एंड इट हैज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी इट हैज बोथ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी सो उस केस में पाइल यूज करते हैं जब भी हमारे पास स्वेलिंग और श्रिंकेज सोइल के अंदर ज्यादा हो क्योंकि यदि हम शैलो फाउंडेशन यूज करेंगे तो उसके अंदर चांसेस है कि क्रैक डेवलप हो जाए तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे पाइल्स यूज करेंगे पाइल कौन सी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पाइल्स आल्सो इट मे बी अंडर रिम पाइल वी कैन यूज फ्रंकी पाइल और पेडिस्टल पाइल सो बेसिकली उस केस में हम इस केस में हम पाइल्स यूज करते हैं तो और जनरली कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं फिर वो है टाइप ऑफ शियर फेलियर्स हैं फुटिंग से जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हिच फाउंडेशन इज बेटर और जनरली क्वेश्चन भी रहती है अंडर शियर फेलियर एंड वी हैव द पंचिंग शियर फेलियर इसमें जो क्वेश्चन मेनली जो पूछा जाता है तो देखेंगे तो जनरल शियर फेलियर में आपको जो है जब ये फेलियर होता है तो स्लाइट ग्राउंड हीविंग आपको दिखती है जैसे यदि मैं दिखाना चाहूँ तो जैसे ये फाउंडेशन हमारी तो यहाँ पे आपको ग्राउंड पे हीविंग दिखेगी और इसमें आपको जो दिखता है फेल्यूर सरफेस वेल डिफाइंड फेल्यूर प्लेन होता है इसका जब ये फेल्यूर होता है तो आपको वेल डिफाइंड फेल्यूर प्लेन मिलता है अप टू ग्राउंड लेवल तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा और जनरल शियर फेल्यूर के केस में जब सोइल बोर्ड लेंथ होगी तभी जनरल शियर फेल्यूर मिलता है इसके अंदर ये फेल्यूर होता है स्ट्रेन लेस देन 5% स्ट्रेन फॉर स्ट्रेन लेस देन 5% मतलब क्या होगा स्ट्रेन इक्वल्स टू 0.005 तो उस केस में हमें जनरल शियर फेल्योर मिलेगा मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सोइल हमारी डेंस कंडीशन में होगी इंटरग्रैनुलर जो पैकिंग है वो अच्छी होगी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी तो हमें जो फेल्योर मिलेगा वो जनरल शियर फेल्योर देखने को मिलेगा अब बात करें लोकल शियर फेल्योर की तो लोकल शियर फेल्योर की कंडीशन वैसे क्या है जब आपकी एन की वैल्यू लेस देन 29 हो एन क्या है सेंट्रल पेनिट्रेशन डैश नंबर या फिर आपकी रिलेटिव डेंसिटी क्या हो लेस देन 30% अब जनरल शियर फेल्योर केस में ये रिलेटिव डेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन 70% होती है यहाँ पे 30% है और आपका जो स्ट्रेन वैल्यू है इसमें स्ट्रेन वैल्यू आपकी 20% तक चली जाती है लोकल शियर फेल्योर कंडीशन में स्ट्रेन वैल्यू 20% तक चली जाती है कोहेजन की बात करें तो कोहेजन की वैल्यू लेस देन 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह जाती है तो इससे यदि हम QU निकालें अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ तो वो अराउंड 100 के लेस देन होगी हमारी इन केस ऑफ लोकल शियर फेल्योर इसी को कंसीडर करते हुए तो हम सी मॉडिफाइड एंड फाई मॉडिफाइड यूज करते हैं वो बात की बात है बेसिकली लोकल शियर फेल्योर में आपको यदि हम बात करें तो आपको ग्राउंड स्लाइट हीविंग दिखेगी जैसे यहाँ पे आपको हीविंग दिख रही है हीविंग का मतलब क्या है बल्जिंग जो होती है सोयल के अंदर जो शेप्स आएगी फेल्योर के कारण वो उसको बोलते हैं हीविंग तो बेसिकली लोकल शेप फेल्योर में बहुत थोड़ी बल्जिंग दिखेगी आपको बहुत स्लाइट हीविंग दिखती है यदि आपको आइडेंटिफाई करना हो लेकिन इसमें वेल डिफाइंड फेल्योर प्लेन भी नहीं मिलेगा आपको इसमें भी आपको वेल डिफाइंड फेल्योर सरफेस भी नहीं मिलेगा पंचिंग शेयर फेल्योर की बात करें तो पंचिंग शियर फेलियर से जनरली जो पूछा जाता है वैसे उसमें ना ही आपको बल्जिंग दिखेगी और जनरली वो होती है डीपर डेप्थ पे PSF जो होता है पंचिंग शियर फेलियर वो डीपर डेप्थ पे होता है एज कंपेयर टू JSF एंड LSF तो ये तो होगी बात कुछ टाइप ऑफ शियर फेलियर से अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक SPT CPT और PIT SPT से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से और सबसे फेमस टेस्ट है फील्ड में आफ्टर डीप वाटर फील्ड में ही करना होता है तो बेसिकली स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट
स्टेबल फॉर कोहेजन शो है, आई एम मैं बोल रहा हूँ स्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं कोहेजन सोइल्स के लिए भी, कंडीशंस टू कंडीशन वेरी करता है कब करना है कब नहीं करना है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए मैं क्वेश्चंस को डिफाइन करूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो वो कुछ इस तरह होंगे। जैसे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फर्स्ट तो सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सोइल, इट इज सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सोइल। स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज करते हैं इसके अंदर, स्प्लिट स्पून सैंपलर क्या होती है, ट्यूब होती है जो ग्राउंड में आप इंसर्ट करते हैं जिससे हम सेटलमेंट और अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी का कोरिलेशन जनरेट करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सोइल, एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से। अब इसके अंदर वैसे मेनली दो करेक्शन हम यूज करते हैं, फर्स्ट करेक्शन है जैसे डायरेक्ट डेंसिटी की करेक्शन होते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर की, ओवरबर्डन प्रेशर की करेक्शन होती है। इफ वी डू नॉट कैरी आउट ओवरबर्डन करेक्शन तो उससे क्या होगा, जनरली क्या करते हैं ओवरबर्डन करेक्शन, जो हमारा एन वैल्यू है वो होती है एन डैश बोल लेते हैं, एन नो 350 डिवाइड बाई 80 प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, जो डेप्थ में आप निकालोगे यदि इसकी वैल्यू मैं बताऊं तो ये हो जाएगा गामा टी इंटू एच यू कैन से। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो एन डैश है उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सोयल की जो स्ट्रेंथ है इन द बॉटम साइड एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम अप टू such a depth where we have a stress equals to 350 kN per meter square, तो तब तक हम अपनी वैल्यू बढ़ाते रहते हैं एंडेश। तो यदि ये करेक्शन नहीं करेंगे तो उसमें क्या आएगा कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोइल को। यदि एन वैल्यू आपकी ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि सोइल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन यदि आपकी एन वैल्यू कम रहेगी तो आप बोलोगे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सोइल की स्ट्रेंथ को यदि हम ओवरबर्डन करेक्शन नहीं अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अब डायरेक्ट डेंसिटी की करेक्शन और होती है, डायरेक्ट डेंसिटी करेक्शन हम ओनली अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ फाइन सैंड, जनरली डायरेक्ट डेंसिटी करेक्शन वैसे हम नहीं लगाते, ओनली इन केस ऑफ फाइन सैंड यूज करते हैं। और ये क्या है, जब आपकी आफ्टर करेक्शन ऑफ ओवर एंड डैश वैल्यू जो आएगी आपके यहाँ से, तो यदि मैं इसको एन डबल डैश बोल दूँ तो ये वैल्यू होगी एन डैश प्लस 15 माइनस n dash minus 15 divided by 2, ये इसकी डायरेक्ट डेंसिटी करेक्शन होती है, इसमें आपको जो वैल्यू है उसको डिक्रीज करना होता है। क्यों डिक्रीज करना होता है, क्योंकि जो यदि हम उस लेवल पे टेस्ट करते हैं तो हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है ड्यू टू द पोर वाटर प्रेशर, डायरेक्ट डेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि पानी अवेलेबल है आपके पास, एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर है वहां पर, लेकिन वो एज ए स्ट्रेंथ का पार्ट ऐड हो रहा है, एज नोट टू द वो स्ट्रेंथ में इंक्रीज कर रहा है बेसिकली, तो हमें वो स्ट्रेंथ का इंक्रीज कम करना होता है, तो उसी के लिए करेक्शन हम अप्लाई करते हैं। तो जनरली एसपीटी टेस्ट में ट्राई करना, क्वेश्चन काफी है एसपीटी से रिलेटेड, जैसे हम स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज करते हैं तो हम 600 mm डेप्थ पे सोयल की हम जनरली जाते हैं, जैसे ये हमारी पिट है या जहाँ पे टेस्ट हमें करना है, तो पहले हम 600 mm डेप्थ पे जाके स्प्लिट स्पून सैंपलर यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ की एन वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं, आप जो पहली डेप्थ है उसकी एन वैल्यू को निगलेक्ट करके चलते हैं। एन वैल्यू आप जो एन की वैल्यू निकालती है, वैसे यहाँ पे आपके पास हैमर रहेगा, आप उसको सर्टेन हाइट से ये आपके पास हैमर है, इसको सर्टेन हाइट से आप ड्रॉप करोगे, लेट्स से ऐसा ही, और ये आप जितनी बार ड्रॉप करोगे उसके कोरिस्पोंडिंग आपको जो सेटलमेंट मिलेगी आप वो रिकॉर्ड करोगे, उससे हम अपनी एम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इतना होने के बाद फर्स्ट आप वैल्यू रिजेक्ट करेंगे, फिर आप 150 mm डेप्थ पे जाके फर्दर, तो ये कितनी हो जाएगी 750 mm, तो वहां पे आप n वैल्यू निकालोगे, तो उसके बाद जो n वैल्यू होगी आप उसके ऊपर करेक्शन करोगे, n2 वैल्यू आएगी फिर n3
अप टू डिजायर्ड डेप्थ आप जाओगे और फिर वहां से आप एन वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये है करेक्ट ओवरबर्डन। तो बेसिकली एसपीटी से यदि एक क्वेश्चन होता है जैसे रिलेटिव टेस्ट की बात करें तो एसपीटी टेस्ट जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, मतलब एक कोरिलेशन डेवलप कर सकते हैं बिटवीन एन एंड आरडी, बिटवीन एन एंड आरडी आपके पास एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट हम ये नहीं बोल सकते कि वे हम रिलेटिव डेंसिटी ही निकाल सकते हैं, एक कोरिलेशन है जिससे हम बता पा रहे हैं लेकिन हम ये नहीं बोल सकते रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं। यदि एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर रिलेटिव डेंसिटी सेम मिल रही है टू सॉइल्स में तो क्या आप उससे बोल सकते हैं कि दोनों की सेम स्ट्रेंथ है या कुछ अलग है? तो यदि ऐसी बात आएगी तो हम बोलेंगे हम कुछ कह नहीं सकते इस कंडीशन में। आप ट्राई करना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा वो आप सोल्व करना तो आपको आइडिया होगा कि भाई रिलेटिव डेंसिटी का और एन वैल्यू का क्या रिलेशन है। तो एक ये क्वेश्चन भी आता है स्टैंडर्ड बेंडेशन टेस्ट से। और क्वेश्चन यदि मैं देखूं जनरली काफी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना, यदि कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना हो या समझ में ना आए तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं सीपीटी की, कौन पेनिट्रेशन टेस्ट की। कौन पेनिट्रेशन टेस्ट की यूजफुलनेस है काम ऐसे, इट इज यूज्ड मेनली इन द क्ले सोइल, हम क्वेलिनर सोइल के लिए कौन पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं करते। कौन पेनिट्रेशन टेस्ट है या सिर्फ कौन होता है जिसका एपेक्स एंगल होता है 60 डिग्री, एपेक्स एंगल कोन का 60 डिग्री होता है और बेस एरिया होता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हम इंसर्ट करते रहते हैं सोइल के अंदर ताकि हम जो लोड लगाएंगे और जो सेटलमेंट ऑब्टेन होगी उसका एक कर्व जनरेट करें। मैंने पहले ही बताया कि जितने टेस्ट से लोड सेटलमेंट कर्व हम जनरेट करते हैं ताकि हम बेयरिंग कैपेसिटी की बात कर सकें। तो आप वो जो कोन है उसको इंसर्ट करोगे, उससे आप लोड सेटलमेंट कर्व डिराइव करोगे। एक खास बात इसकी ये है जो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है कंटीन्यूअस रीडिंग देता है लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व की, तो इससे हम कंटीन्यूअस रीडिंग ऑब्टेन कर सकते हैं जबकि हम किससे, जबकि हम एसपीटी से कंटीन्यूअस रीडिंग नहीं ले सकते हैं। आप लोड लगाओगे जैसे मैंने बोला 600 mm पे आपने लोड लगाया, इसके कोरिस्पोंडिंग सेटलमेंट देख लिए, फिर आप एक्सकेवेशन करोगे 150 mm फर्दर, फिर वहां पर लोड लगाओगे, फिर आप सेटलमेंट ऑब्टेन करोगे, तो ये कंटीन्यूअस रिपोर्ट नहीं देता हमें एज कम्पेयर टू दी कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो मेनली कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की एप्लीकेशन है कि ये यूज करते हैं क्ले सोइल में, सैंडी सोइल में आप बैचलर्स सोइल में क्यों यूज करते हैं, इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि जो जो हमारा जो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करें तो उसमें सैंडी सोइल जो होती है वो सुटेबल नहीं होती है, जो बोर्डर्स या ग्रेवल्स होते हैं उसके अंदर पेनिट्रेशन इसका प्रॉपर नहीं हो पाता है, एक रीजन भी हो सकता है, लेकिन जनरली कोन पेनिट्रेशन टेस्ट बैचलर्स सोइल में यूज नहीं करते हैं। आप मतलब हैबिचुअल हो जाओगे इस बात की कि भाई कोन पेनिट्रेशन टेस्ट खाली बॉयलर सोइल में यूज करते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट के बारे में बात करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट कहां कैरी आउट करते हैं, इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन ओनली, हमें ये दोनों टेस्ट डीप फाउंडेशन में देखने को मिल सकते हैं बट प्लेट लोड टेस्ट कहां कैरी आउट करेंगे ओनली इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन। प्लेट लोड टेस्ट में क्या है कि आप एक प्लेट एस प्लेट होती है आपके पास सर्टेन विड्थ की, आप उस प्लेट को इंसर्ट करते हैं एट द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जहाँ पे आपको अपना घर बनाना है या कोई बिल्डिंग या कोई ब्रिज या कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आप प्लेट मतलब उस डेप्थ पे प्लेट आप इंसर्ट करोगे और उस डेप्थ के ऊपर प्लेट इंसर्ट करके आपके पास जैक्स होते हैं जो सरफेस पे जिससे हम लोड मेजर करते हैं, तो आप लोड मेजर करोगे एज इन केस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। तो बेसिकली प्लेट लोड टेस्ट का फायदा क्या है, इससे हम सेटलमेंट निकालते हैं, सेटलमेंट एज वेल एज अगेन वही अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दी सोइल। यदि कोहेसिव सोइल की बात करें, यदि हम कोहेसिव सोइल की बात करें क्ले सोइल की बात करें तो एक रिजल्ट तो जैसे मैंने बताया था आपको अल्टीमेट जो अल्टीमेट कैपेसिटी है अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन विल बी इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। बट सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट में यदि हम बात करें तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन divided by the settlement of plate will be given as width of foundation by width of plate. तो ये आपका इस ऐसे distribute होता है in case of
कोहेसिव सोइल सॉइल की। तो यदि बात करें कोहेसिवनेस सोइल की, तो उसके लिए कैसे करते हैं, कोहेसिवनेस सोइल के लिए, कोहेसिवनेस सोइल के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है। तो उसमें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी भी फाउंडेशन बाय, यदि प्लेट की बात करें तो डिपेंड करती है विड्थ ऑफ फाउंडेशन बाय विड्थ ऑफ प्लेट पर। और सेटलमेंट की बात करें इन केस ऑफ कोहेजनस सोइल, तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज गिवन एज विड्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 30, दिस इज इन सेंटीमीटर, एंड विड्थ ऑफ प्लेट विड्थ ऑफ फाउंडेशन प्लस 30, दिस इज आल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये जनरली हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम बेसिकली स्ट्रेंथ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो यूनिट्स है ये सेंटीमीटर में है, ये सारी सेंटीमीटर, ये आपको मीटर में करना है तो इसको 0.3 आप यूज कर सकते हो, फिर आप सीधा बीएफ और बीपी को मीटर में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरली ये होता है प्लेट ग्रुप टेस्ट। बात करते हैं मशीन फाउंडेशन की। मशीन फाउंडेशन से 2010 से पहले कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टिल पूछे गए हैं तो करने तो हैं। तो मशीन फाउंडेशन क्या है, तो मशीन फाउंडेशन में यदि आपको मेनली कुछ फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन जब हम डायनामिक स्ट्रक्चर डायनामिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, तो उसमें आप मतलब इसलिए देख सकते हो कि भाई ये डेरिवेशन कहां से आ रही है। जैसे हमें पता होना चाहिए CCR is equal to given as 2m omega, damping coefficient, critical damping coefficient is given by 2m omega, और omega होता है हमारा root k by m, root k by m, omega क्या होता है root k by m, k क्या होता है spring constant of soil in this case, and m is the mass। तो यदि ये इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से सीधा आ जाएगा हमारे पास 2√KM। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा K की वैल्यू और M की वैल्यू, यूनिट चेक कर लेना, उसके बाद आप सीधा प्लेट का डैम्पिंग कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है, फिर एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है, डिस्प्लेस्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है ओमेगा डी रूट वन माइनस जाय स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट याद रखे। एडजस्टमेंट इंजीनियरिंग का ऑप्शन है जिसमें ये यूज होगा, उसमें उन्होंने एक्चुअली डी स्क्वायर लिखा हुआ उन्होंने, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा, वहां पे उन्होंने इसका स्क्वायर नहीं किया हुआ, बस ये गलती है, बाकी वो क्वेश्चन ठीक है, वैसे रीजनिंग ठीक है, लेकिन यू टू अंडर रूट नहीं लिया उसका तो गलत है, तो रीजनिंग गलत वहां पर। तो मशीन फाउंडेशन से मेनली आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, आपके दोनों क्वेश्चन जो दो तीन चार क्वेश्चन है वो आपके बन जाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की। कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेना आपको कि कैसे करते हैं। वैसे कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली ये याद करने की चीज है, वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड पे क्या होगा कॉन्टैक्ट प्रेशर, सेंटर पे क्या रहेगा, मैक्सिमम होएगा मिनिमम होएगा, तो आप पढ़ लेना इजली, आप उसको मतलब याद कर लो क्योंकि वो क्वेश्चन बन जाता है और वो खाली लर्निंग का क्वेश्चन है, याद कर लो तो बेटर है। तो ये जनरली ये सारे क्वेश्चन है जो जनरली